साल में दो बार भगवान काल भैरव जी का बड़े हर्षोल्लास और उत्साह के साथ में जब समारोह निकाला जाता है, सवारी निकाली जाती है। एक गणेश जी के समय जब गणेश जी की स्थापना होती है उसमें एक ढोल गारस आती है, सारे प्रदेश में और सारे देश में ढोल उत्सव मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में भगवान काल भैरव की सवारी को निकालने की परंपरा है। उस परंपरा के अनुसार विधिवत रूप से भगवान का पूजन करते हैं। ये जो पूजन होता है प्रशासनिक पूजन होता है, माननीय कलेक्टर महोदय साहब आते हैं और इस पूजन को करके सवारी का प्रारंभ करते हैं। ये सिद्धमठ मंदिर जाती है, वहाँ आरती पूजा के पश्चात पुनः श्री काल भैरव मंदिर आती है। वर्ष में जो है दो बार भगवान काल भैरव की सवारी निकालने का विधान है। यहाँ भगवान ये जो काल भैरव जी का मंदिर है ये जेल निगरानी में आता है। शुरू से प्रथा बनी हुई है, परंपरा बनी हुई है यहाँ पर कि यहाँ से सवारी जेल केंद्रीय जेल भैरवगढ़ जाती है। वहाँ संपूर्ण कैदियों की तरफ से जेलर अधीक्षक मैडम जो होती है वो भगवान काल भैरव की पालकी का पूजन करते हैं। सभी कैदी जो अंदर है भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं वो उस समय भगवान काल भैरव जी के दर्शन करके अपने जीवन के कल्याण के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसी परंपरा शुरू से बनी हुई है, उसका निर्वाह आज भी चल रहा है। सबसे पहले इसकी शुरुआत ही शासकीय पूजा से होती है, जिसमें मेरे द्वारा, SP साहब द्वारा और लोकल जनप्रतिनिधि द्वारा यहाँ पूजा संपन्न की जाती है और उसमें हम लोग कांधा देकर पहले सवारी को आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद आगे रवाना होती है।